हेलो गाइस, मैं आपका अपना कहानी बादराज। और ये जो वीडियो आप देखोगे, इस पूरी वीडियो में हमने पूरी जर्नी दिखाई है चंडीगढ़ से लेके सूरत की, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस। तो इसको देखना ना भूले, हमने कोई भी कटिंग नहीं करी है, पूरी नेचुरल व्यूज के साथ। अच्छी लगेगी, लाइक और शेयर कीजिए आर पल्स के साथ। अच्छा, इधर से एंट्री होगा ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आरपल्स टीम। ये देखो आरपल्स, आरपल्स साथ लेके चल रहे हैं भाई। और हम हैं यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे आखिरकार आरपल्स पहुँच ही गई है अपने मुकाम पर। पहली फ्लाइट आरपल्स की। आरपल्स है तो क्या बात है, आरपल्स। दिल्ली एयरपोर्ट पे आप वाइन बोर्ड का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे खूब अच्छे से सजा सजा के रखी है। इंजॉय योर लाइफ भाई। कोई बियर पी रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई वेटिंग में है, और हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे वॉशरूम। ये है शॉपिंग मॉल्स, और ये है पानी का पानी। हेलो गाइस, हम हैं यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे। ज़्यादा ऊंची बात में बात नहीं कर सकते, ना हम बोल सकते। दोस्तों, अगर ज़िंदगी तुम्हें परेशानियां दे रही है ना, तो घबराइए मत, क्योंकि ज़िंदगी जो उलझने दे रही है वो ज़िंदगी ही सुलझाएगी, हम नहीं सुलझा सकते। आप बस आरपल्स पीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट पे आपके अपनी कहानी बात रजनीश के साथ। दोस्तों, ज़िंदगी अगर तुम्हें कोई मौका दे ना,
तुम्हारी कामयाबी मिलने का झट से छीन लेना, छोड़ मत देना। अगर एक बार छोड़ दिया ना तो जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाओगे। आरपल्स दिल्ली एयरपोर्ट पे आप बच्चों के लिए भी खिलौने ले सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, चाय, पानी। बड़ा खुश हुआ, दारू बेचने वाले ने पानी का गिलास फ्री में दिया मुझे। हालांकि मैंने दारू नहीं ली थी, मैंने कॉफ़ी ही ली थी। और ये बहुत देख सकते हैं आप, कितने अच्छे अच्छे खिलौने। वाह, शुक्र ईसानी नहीं आई, ईसानी आती तो पापा ये टैडी, वे टैडी ईसानी, ये देखो बेटे ईसानी के लिए टैडी, ईसानी के लिए बड़ी बड़ी गार, वो मंकी टंगा हुआ। दिस इज गेम, देखो सारी मछलियां भूखी है, इनको खाना दे दो। चलो आपको दिखाते हैं अब अगली चीज। ये भाई ये जाएगी कहाँ जाएगी, गुवाहाटी अहमदाबाद। और ये गिफ्ट ऑफ लव, वाह प्यार के गिफ्ट मिलते हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे। वाह प्यार करने के लिए गिफ्ट, नहीं प्यार करने के लिए नहीं सॉरी, प्यार करने वालों के लिए गिफ्ट। भाई साहब ये हल्दीराम आ गए यहाँ पे, वाह जी वाह हल्दीराम जी, हल्दीराम की भुजिया, हल्दीराम की सोन पापड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो वैसे सभी विश्व भर के लोग आते हैं ना, वो हल्दीराम की भुजिया सोन पापड़ी खा के जाते हैं। वाह ये हमारा आ गया फॉरेस्ट एसेंशियल्स लग्जरी आयुर्वेदा। वाह आयुर्वेदा ने भी भाई तरक्की कर ली, लग्जरी आयुर्वेदा। ऐसे हमारा आरपल्स भी आयुर्वेदिक ही है, लग्जरी आयुर्वेदा, आयुर्वेदा भी पहुंच चुका है। चलो लोग मानने लगे आप भैया। टिफ़न एक्सप्रेस, यहाँ पे समोसा मिलता है, समोसा भाई समोसा समोसा, कचौरी बड़ा पाव। रेट में पूछता नहीं क्योंकि रेट पूछ के ना बेचारे समोसे की बेइज्जती हो जाती है, 129 रुपये का। वाह वेरी गुड शाबाश, पैटीज 169, 169 रुपये की पैटीज। लेकिन ठीक है भूख लगी तो खा लो भाई, नहीं कोई बात नहीं चाय पी लो भाई। पानी मिलेगा, सोडा मिलेगा, मसाला ट्विस्ट मिलेगा, यहाँ पे ठंडा ठंडा रखे हुए हैं, हॉट कॉफ़ी। कॉफ़ी मुझे पसंद है, जहाँ पे भी जाओ चाहे सिनेमा हॉल्स में या कोई ये बर्गर सर्गर खाओ ना खाओ, कॉफ़ी ज़रूर पी लिया करो, ठीक होती है, कुछ तो करेगी बॉडी में जाके। ये कपड़े कुपड़े मिलते हैं भाई यहाँ पे, अप टू 40% ऑफ। कौन सा ब्रांड है, यूनाइटेड कलर्स ऑफ, ये मिलते हैं भाई ये सारे कपड़े हैं। देखो छोटों के बड़ों के, वाह ठीक है, बंदा बोर नहीं होता यहाँ पे, कट जाता टाइम। ये है जी श्री गीता जयंती पर्व, यहाँ पे हमारे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लगे हुए हैं, और गीता जयंती पर्व पर हमारे ये कौन है, अच्छा गुरु जी है कोई, ये अपने मोदी साहब हो गए। वाह जी वाह, ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपिता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सलाम है सर आपको। और ये आएगा मैक, वाह यहाँ पे लिपस्टिक पाउडर, यहाँ पे सारी चीज़ मिलती है भाई, नेल पॉलिश और अटरम पटरम लिपस्टिक। लिप बाम तो नहीं मिलेगी ना हिमालय की, 10 रुपये की पूछे इससे, नहीं वो नहीं। अरे चश्मा सन ग्लासेस हट लेना तो था एक, पर रेट पता नहीं क्या बोलेगा, पूछते हैं भाई रेट। सन ग्लासेस टर्न ऑफ 25% ऑफ। ये है भाई रिले, यहाँ पे भी क्या मिलता है, ये भी सामान ही है, खाने पीने का भी है, सॉफ्ट मान लो ये दुकानदारी वाला हिसाब किताब है, यहाँ पे सारे मिलता है जनरल स्टोर की तरह। और ये अपनी फ्लाइट है भाई, अपनी फ्लाइट आएगी अभी 6:05 पे चढ़ाई करेगी, स्मोकिंग एरिया भी दिया हुआ, अभी फूड कोर्ट है, सब कुछ ही है,
फिर ये आ गई एक, देखो इसमें दिखा रखा भी बिना बालों की औरतें भी कितनी सुंदर लगती है, देखो कानों में कितने बड़े अच्छे अच्छे डाल रखे हैं ये सारी चीज़ें। वाओ घड़ी, ओके अंदर जाके नहीं बनाएंगे, फिर लेंगे नहीं तो बेचारे ना खुश होएंगे। वैसे भी मुझे किसी में कोई कस्टमर नहीं दिखा अभी तक, हाँ दुकान अच्छी सजी हुई है पर कस्टमर नहीं है कहीं भी। ये भी बैट, क्या करेगा बेचारा अंदर आके। वाओ लैपटॉप के अच्छे अच्छे बैग रखे अंदर। अच्छा रात को कोई शॉपिंग नहीं करता ना, दिन में करते होंगे। अभी जैसे रात के क्या टाइम हुआ है, 4:30 हुए हैं, तो अभी कोई कस्टमर नहीं दिख रहा मुझे, सिर्फ दुकानदार दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है सूट टंगे हुए हैं भाई, नाइट सूट, ये देखो ऐसे लगते हैं। और ये सब हो गया, चलो ओके अब हम करते हैं चढ़ाई। तो आप सब ने देखा ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ अवेलेबल है, मेरा तो पहली बार एक्सपीरियंस है भाई। बस ये है अभी यहाँ पे अंदर, ये पता नहीं लगता दिन है एक रात है, बंदा बोर नहीं होता, इधर उधर टहलते रहो, बैठ जाओ, चेयर्स लगी है बहुत सारी, बड़े बड़े गुंबद लगे हैं, पुलिस फोर्स है, CISF, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं भाई। चलो हम भी चलते हैं अब 4B की लाइन में, नहीं तो क्या पता जहाज में जगह ना मिले, बंदा बोले फिर किसी के, बोले नहीं नहीं बस फुल होगी, फुल फुल फुल, पहले पहले जाके बैठ जाते हैं। तो भाई 4B की लाइन में लग के आ चुके हैं अंदर, रेडी टू फ्लाई। चल दिए हैं भाई फ्लाइट के अंदर बैठने के लिए, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम, लाइन में चल रहे हैं भाई ऐसे ऐसे। या वी आर गोइंग टू, अभी आपको फ्लाइट दिखाएंगे, जहाज दिखाएंगे, जहाज भाई। ठंडी बहुत है ठंडी, ले भाई अभी बस में बिठा दिया, ये भी ले जाएंगे जहाज के पास। कृपया ध्यान दीजिए, आपकी सुरक्षा के लिए हैंड रेलिंग को और अपने साथ बच्चों को सावधानी से पकड़े रहें। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रही, हम आपसे फिर मिलने की कामना करते हैं, धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर योर सेफ्टी फर्मली होल्ड ऑन टू द हैंड रेल एंड सिक्योर अकॉम्पनिंग चिल्ड्रन विद केयर व्हाइल द कोच इज इन मोशन। वी होप यू हैड अ प्लेजेंट फ्लाइट, थैंक यू फॉर चूजिंग टू फ्लाई विद अस, होप टू सी यू सून। सभी बसों पे देखिए कैसे पत्तियां ही पत्तियां लगा रखी हैं इन्होंने। कृपया ध्यान दीजिए, हम विमान को साफ करवा रहे हैं जिससे विमान में जाने में कुछ क्षणों का विलंब हो सकता है। आपके सहयोग और धैर्य के लिए धन्यवाद। रिक्वेस्ट योर अटेंशन प्लीज, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द एयरक्राफ्ट एंड देयर मे बी अ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर बोर्डिंग, वी थैंक यू फॉर। Mm-hmm.
ले भाई उतर गए भाई अड्डे पे। ये देख लो भी जहाज, ये खड़ी एक दो जहाज ही जहाज है भाई, ले लो ये अभी जहाज ही जहाज, जहाज ही जहाज, कितनी जहाज है भाई ले लो। ले फोटो फाटो खींच लेते है भाई, आखिरकार हम जहाज में चढ़ ही रहे हैं। ठीक है जहाज में चढ़ने की बारी आ गई है हमारी। लैब ये रहा जहाज का मुंह, यहाँ पे ड्राइवर बैठेगा कनेक्टर और हम बैठेंगे। तो भाई जहाज में चलेंगे भी। लैब ये कहानी बाज राज जहाज में ऊपर चढ़ते हुए आपको दिखाते हैं जहाज अंदर से। अब एक जहाज का गेट आ गया भाई, आखिरकार आर्पल्स ने हमारे लिए जहाज के गेट खोल ही दिए। शोर बहुत कर रहा है ये, देखिए भाई पंखे कितने बड़े बड़े। भाई फिल्मों में देखा था, आज अंदर घुसेंगे इसके। लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी तुम सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। This is for takeoff, confirm cabin clearance. अभी जहाज मुड़ दिया, जहाज मुड़ गया, जहाज हरी पट्टी लाल पट्टी पे आ गया, अब उड़ेगा। जहाज उड़ेगा, अब जहाज उड़ाएंगे। बाहर वाला शीशा साफ नहीं है, तो नहीं तो मस्त है। साफ है, साफ नहीं, क्या पता इससे हो जाए, ये अलग है। बारिश है, उड़ेगा तो फोग भी उड़ जाएगी। भाई पट्टियां ही पट्टियां दिख रही है। लावी फिर मोड़ दिया भाई उल्टी दिशा में, मैं फिर मोड़ दिया, लेफ्ट मोड़ दिया लेफ्ट। अब भागेगा ये, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल। तो किसी ने वो अब पकड़ी स्पीड, अब छोड़ देगा धरती।
जय बजरंग बली। अभी भाग रहा है ये तो तेज तेज जाती है, सुन भी अच्छा लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं स्पीड पकड़ ली भाई साहब ने। अल्लाह भाई चल गया भाई, जय बजरंग बली। आए हाय हाय, अरे अब साफ हो गया शीशा। देखिए भाई खाली बिल्डिंग है, वाह। जहाज ऊपर जाके खड़ा हो गया है ऊपर, ये देखो बिल्कुल लाइट ऑन होगी भाई अंदर की। अब लाइट ऑन हो चुकी है ऊपर की, सो रहे हैं सारे। ओए होए, अब और ऐसे हो गया, ऊपर नीचे हो रहा भी है तो पेट में गुरुड़ गुरुड़ हो रही है, कान बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। वो देखिए सामने सूरज निकलता हुआ, सूरज निकलेगा जहाज में बैठ के, सूरज देखेंगे भाई। आज आसमान में सूरज उगाएंगे भाई, सुपर। अमेजिंग एक्सपीरियंस लाइफ का, जबरदस्त। सूरज की ओपनिंग, आज सूर्य उदय हम आसमान में कर रहे हैं। जय बजरंग बली। सूर्य का प्रकाश, हवाई जहाज में चाय। अरे यार इसके ऊपर से थोड़ी पीना है। सुबह होगी, अभी उतरने वाले हैं हम गुजरात में, सूरत में उतरने वाले हैं अभी। ये देखो छांव होगी, छांव।
प्यार को बढ़ाना है, हमने तो शहर देख जाना है। भाई समुंदर दिख रहा है, समुंदर सूरत। सूरत की आउटिंग हो रही है हमारी। चलो वेलकम कर लेते हैं। वेलकम वेलकम, हम सूरत पहुंच चुके हैं और अभी एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। वेलकम टू स्मार्ट सिटी सूरत। विमल पान मसाला। यह है मोदी नगर सूरत। अभी आखिरकार हम सूरत आ ही गए हैं, अभी अभी पहुंचे हैं। भाई साहब के ऑटो में बैठे हैं, हमारा बैग लगेज हर एक चीज लेके। मोदी जी के बारे में सुना बहुत, आज देख भी रहे हैं क्या कुछ प्रगति करी हुई है। सुना है भाई साहब ये सूरत में एयरपोर्ट पहले था नहीं, अभी आया है मोदी जी के आने के बाद। रोड तो ऐसे लग रहे हैं चकाचक, जैसे देखना इतनी साफ सफाई, मानो प्रगति पे है। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है सूरत। अच्छा 2000 में आए थे आप? 2000 में आया था, मैंने ऑटो लिया। ओके 2006 में ऑटो लिया आपने? आज तो ये रोड ऐसे लग रहा है जैसे पूरा हाईवे नहीं बनाया होता, 6 लेन ऐसे बिल्कुल चमचमाता हुआ। प्रगति तो हो रही है, ऐसी बात नहीं है, सारी इंडस्ट्रीज आ रही है धीरे धीरे। देखो यार रातों रात कुछ नहीं बनता, अगले ने कोई मेहनत कर रहा है, कुछ प्लान लेके आ रहा है। ये इतने बड़े बड़े शोरूम मॉल, ये बड़े बड़े मॉल बनेंगे तो बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। बताओ फिर ऐसी बनेगी तो रोजगार भी तो बढ़ेगा ना। तो अच्छा है, कुछ तो विकास हो, कहीं तो विकास हो। रेलवे स्टेशन सहारा दरवाजा भागल।
परसों पुराना रेलवे स्टेशन टेक्सटाइल मार्केट अल्लाह अकबर। ये तीनों फिर यहाँ आ गए सूरत की खूबसूरत खूबसूरत गलियाँ। ठीक है, खुला डुल्ला सा शहर है सूरत। ये काफी पुरानी बिल्डिंग लग रही है, सरकारी बिल्डिंग है क्या? अच्छा मार्केट है, मेट्रो टावर, ये भी पुराना लग रहा है। ये इंडिया टेक्सटाइल मार्केट है, हम लोग कहाँ से बैठे देवी ऑटो में? मकल्ला चौकड़ी। मकल्ला चौकड़ी, मकल्ला, अच्छा मकदल्ला, मकदल्ला चौकड़ी से बैठे थे ना, मकदल्ला चौकड़ी एयरपोर्ट से मकदल्ला चौकड़ी और मकदल्ला चौकड़ी से दिल्ली गेट। अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब कि हम आपको पीठ दिखाएंगे एक्टिवा के ऊपर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब। हाँ मैं तो गुजरात ही फर्स्ट टाइम आया हूँ सर। मैं ज़्यादा नहीं, मान लो उधर ही रहा हूँ एक्चुअली, दिल्ली और दिल्ली तक, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब। ये बस स्टेशन है, एक घंटे का रास्ता, 300 किलोमीटर पड़ जाता है, लेकिन रास्ता बहुत खराब है तो 6-7 घंटे लगते हैं। ये सामने स्टेशन है, ठीक है। ला 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 ला। प्रेसिडेंट प्लाजा, ये पूरा प्लाजा तय करते हैं।
तो अभी हम खाने वाले हैं गुजरात की थाली। ये हमारे राशिद भाई, ये भाई साहब भर रहे हैं पूरी थाली को। तापी नदी, ये पानी है या मिट्टी से दिख रही है? पानी कम भाई। हम जा रहे हैं समुंदर, समुंदर जाने के लिए ऑटो पूछ रहे हैं। समुंदर समुंदर आ रहे हैं, उनको उनको बुला के ले जाऊं, बुला रहे हैं। अरे बाबू समुंदर के लिए बुला रहे हैं, सर वो बुला रहा समुंदर। समुंदर 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 है आने जाने का, है 500 दूंगा आने जाने का। समुंदर समुंदर जय महाकाल जय शंभु। हेलो गाइस, ये देखिए ये फ्लाईओवर है बलदेव नगर का। जय महाकाल। हम जा रहे हैं अभी समुंदर समुंदर क्या बोला, हो गया समुंदर का 800 रुपए बोल रहे हैं। 800 में तो 10 रुपए। समुंदर हम जा रहे हैं समुंदर, वहां पे तैरना सीखेंगे। 300 का 300 तेरे से एक बंदा बोला कहा जा रहा, मैंने बोला वो कह रहा है ये क्या होता है, मैं तैरने जा रही हूँ तैरने, समुंदर जा रहा समुंदर। अरे इसमें खाली ऑटो में घूम रहे सर, यही जिंदगी है, ऑटो में हरदार साइज। तोला तोला है, 10 ग्राम की भी नहीं थी ये। ये स्टोन ये देखिए सूरत का पेट्रोल पंप, ये इंडियन ऑयल में सूरत का पेट्रोल पंप है।
यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस, हाँ पेट्रोल पे यहाँ पे अंकल जी नमस्ते। अरे नमस्ते कर रहा हूँ अंकल। बजरंग बली ऑटो से बजरंग बली जी के दर्शन करते हुए जय बजरंग बली। 94177 हम जा रहे हैं समुद्र देखने। सूरत का समुद्र, भूतिया समुद्र। एक हमारे सर हैं वो कह रहे थे कि वो भूतिया समुद्र है। 94177 हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ नमकीन बहुत सस्ता मिलता है, मतलब यहाँ रोड पे नहीं सूरत में। अभी तो भाई हम समुंदर देखने जा रहे हैं। ओए गुब्बारा, वो देखो दूर गुब्बारा दिखाएंगे अभी आपको। एक बैलून, बैलून पे लिखा हुआ है हर हर मोदी घर घर मोदी। वो देखो दूर से लिखा हुआ है हर हर मोदी घर घर मोदी। देखो गुब्बारे पे ये देखो, वाओ वाओ, ये रहा गुब्बारा, ये रहा गुब्बारा, ये बिल्डिंग। अभी समुंदर आएगा, समुंदर दिखाएंगे। अभी नहीं आएगा। हाँ जब भी आएगा तब वो तब दिखाएंगे। नहीं आएगा। सूरत में भाई नंबर प्लेट बच्चे बड़ी आगे निकाल लिया बाबू ने। ये देखिए अभी लाओ सूरत। बहनों और भाइयों हम आपको आज समुंदर दिखाएंगे, लेकिन अंधेरा हो गया है। घड़ी में सेल खत्म है लेकिन 6 बजे हैं। ये देखिए साफ सफाई, मैंने कहा था मैं करूंगा साफ सफाई। भाई समुंदर कर दिया बंद, समुंदर भी बंद कर देते हैं। पैदल जाके देखा, जाने नहीं देंगे अंदर। भाई ये देखो खाली है, अभी पानी यहाँ पे कम है। कल कल सुबह आएंगे। अभी कितना लगा रही है? हाँ जी नहीं दे देना, 500 लेना आप दारा। नहीं वापस तो जा ही रहे थे, तो ऐसा करना कोई उतना ही दे देंगे रास्ते में। तो मुझे डराएगा ये स्टैचू। देखो कितना शानदार बना के रखा हुआ है, मूर्ति करके तो ऊपर है एक स्टैचू है, तो बहुत ही शानदार है। और फोटो खिंचाओ स्टैचू से। चंडीगढ़ में भी नहीं देखा मैंने तुझे। यारो गार्डन, सुखना लेक झील। अरे सुखना लेक की तो घर है अपना। मुंह पे क्या लगाता है पूरा? ये कलर है, कलर कलर है, खराब नहीं करता बात है, नुकसान नहीं करता। टूट वाले को जैसा प्यार मिल रहा है। भाई हम हैं सूरत के रेलवे स्टेशन के पास। ये है बिस्मिल्ला बी क्रीमी आइसक्रीम, बहुत ही बढ़िया मिल रही है। ये इन्होंने अभी अभी बना के दिया, हमें 20 मिनट लगाए इसको बनाने के लिए। देखो यहाँ पे ताज़ा बनती है स्पेशल आइसक्रीम, पहली बार देखा होगा। बिस्मिल्ला बी क्रीमी ताज़ा बनेगी, ताज़ा। पैसे दोगे फिर आएगी। आपको तैरना आता है नहीं आता है? कूद जाओ, बस कूद जाओ नीचे दरिया में। और फिर कूद के चिल्लाओ मम्मी मम्मी मम्मी। ओ
ओ भाई बहुत ठंड है भाई, और बहुत ठंड है भाई। सूरत के अंदर हैं, रात के 10 बज रहे हैं, इतनी ठंड है, रजाई ओढ़ के बैठे भाई। भाई बहुत ठंड है भाई, ये देखो पैर भाई बहुत ठंड है भाई। चाय बनानी पड़ेगी, चाय बनाएंगे भाई, अभी चाय बनानी सिखा। लो इलेक्ट्रिक केटल का है सर, ये रही सर केटल, ये रहा इसका प्लग लगा दो सर, ये रहे कप, सर प्लग इसमें लगाना, पहले इसमें पानी डालो। अच्छा पानी तो है नहीं इसमें, बोतल सर बोतल खोल के देना मुझे। कितना पानी डालो सर इसमें, देखो पानी तो चाहिए कितने डाल दो मेरा पक्का बस, 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 बस। अरे पानी पानी कप में डालेंगे ना, ऐसे नहीं बनना, ऐसे थोड़ी बनेगी सर, उसमें थोड़ी बनेगी, कैसे कपों में ही बनेगी डायरेक्ट। अरे आपने उकाड़नी थोड़ी है सर, वो घर की तरह इसी में थोड़ी उकाड़ेंगे, ये कपों में डलेगा सर, सर इसी में डाल के बनाएंगे सर। कुछ नहीं है अभी, लो सर मैंने ऐसे नहीं, मैंने जहाज में भी ऐसी पी थी, ये सारा चीज इसी में डल जाएगा। ये तो दूध है सर, ये दूध है यार, उसी में डाल के बनाते हैं, हम बनाते हैं सर उसी में डाल के, यार इसके अंदर बनेगी। अच्छा आपने सुबह इसमें डाल दिया था भाई, ठंड देखो, मैं झूठ नहीं बोला, मैं शीशे में खड़ा हूँ, देख बहुत ठंडी है भाई, अल्टीमेट सूरत का बाहर देखो, धुंध बर्फ पड़ रही है, देखो सूरत में, देखो देखो कुछ नहीं दिख रहा बाहर, इतनी ठंड, इतनी ठंड है भाई, अल्टीमेट है भाई टेम्परेचर। देखो झूझनी छुटी हुई है पैर, देखो कैसे ये कम कम आ रहे हैं, देखो भाई 24 ये कॉफी है सर, ये तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, ये दूध भी डालो, दूध मैंने एक में डाल लिया, एक और डालता हूं, हाँ इसमें डाल दो कॉफी और दूध बस, और ये शुगर डालो सर, दिस इज शुगर, बाद में डालेंगे, बाद में, एंड दिस इज टी बैग सर, टी ऐसे ऐसे टिप टी, एंड दिस इज शुगर, एंड ओपन दिस एंड खाओ दिस, खाओ दिस। How can we make the coffee in hotel? First of all, one kettle, उसमें पानी थोड़ा डालो, उसके बाद इस तरह का पैकेट, एंड पैकेट को थोड़ा ऐसे तोड़ लो, फिर तोड़ के ऐसे टक 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 करके गिराओ। मेरी इंग्लिश देखिए, और ये इंग्लिश चाय ऐसे बनेगी एकदम से जबरदस्त। आपने सर को मैकडोल का भी पिला दिया था। एंड अगेन वन पैकेट ऑफ नेस्कैफे कॉफी, नेस्कैफे कॉफी बेरी पिला दो, एंड नेस्कैफे कॉफी इसको थोड़ा आवाज पावर से काट दो, और पूरे का पूरा कॉफी इसमें चाट दो, कॉफी तो चाट दो, पानी गर्म नहीं हुआ मेरे ख्याल में अभी तक, पानी थोड़ी ठंडी है ना इसलिए नहीं हुआ भाई साहब, सर्दी। एंड उसके बाद वन पैकेट ऑफ खंड, आज बड़ी है ठंड, लून पाओ थोड़ा सा लून, ए साला लून पर क्या लगता है, चल कोई बात नहीं, कई बार ऐसी भी पीनी चाहिए, हम हैं पंजाबी तो डालेंगे, क्योंकि पंजाबी थोड़ा खंड ज्यादा खाते हैं। एंड ये है हरियाणवी, हरियाणवी खंड नहीं खाते, इसलिए इसके पैकेट डालेंगे एक लाइए सर, बट नॉट अब गोइंग टू, पानी देखते हैं गर्म हो गया, तो सर थोड़ा हो गया मिस्टेक, पानी कहाँ है, बंद कर इसको, पानी पूनी कुछ हो नहीं रहा, फोन करो 9 नंबर पे होटल पे, फोन मारो भी, तेरी काटल नहीं चल रही, बदल के जा मारो फोन, कह रहे तेरी काटल नहीं चल रही, हम यहाँ पे आधी रात को कॉफी बना रहे हैं, तेरू बटन नहीं चल दिया, ये बटन कोई इधर, तो बटन लॉक रही है, अब चली है यार, कहाँ चली, और हाँ ये देख लो बाल पड़ता कर बाल, पानी गर्म कैसे होगा, हीटर चलाई नहीं, ठंड बहुत है भाई शीशे में, देखो ठंड।
मुझे एक चीज़ दिखाऊंगा अभी, रुक जाना, मेरे जबरदस्त वीडियो बनाना। समुंदर में फना होना तो किस्मत की बात है, जो किनारों पे मरते हैं दुख उन्हीं को होता है। उधर ही ले चलो हमारी किस्ती जहां पे तूफान आया है। मैंने जीने का सलीखा समुंदर से ही तो सीखा है, चुपचाप से बहना क्या लाज। मैंने जीने का सलीखा समुंदर से ही तो सीखा है, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऑटो ले लो सर। ये देखो, ये ऐसी ऐसी ये चीज़ है ना, अगर मैं नंगे पाऊँ देखो ऐसे लगते कट जाएगा ये। ओ मैं पानी घट रहा है, पानी बहुत घट गया, बहुत ज़्यादा। दोस्तों आज हम दिखा रहे हैं आपको सूरत का समुंदर। ये इसको भूतिया समुंदर भी बोला जाता है, यहाँ पे रात को इतनी आओ भगत नहीं होती है। जय श्री गणेश जी का मंदिर है सूरत के। ये हम डुमस बीच पे हैं अभी, डुमस बीच। थोड़ी सी काली मिट्टी ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है थोड़ा सा यहाँ पे। आप देखेंगे तो कुछ लोगों के द्वारा फैलाई हुई और कुछ समुंदर की भी। यहाँ पे डुमस का बीच है ये। अब हम अभी आप सबको डुमस के बीच से लाइव दिखा रहे हैं। पानी बहुत कम हो गया है, अभी 5 मिनट पहले यहाँ तक पानी बह रहा था, लेकिन अब काफ़ी दूर चला गया है पानी। समुंदर ऐसा ही है दोस्तों, अपनी मौज में रहता है। वो कहते हैं ना कि जीने का सलीखा हमने समुंदर से ही सीखा है, चुपचाप से बहना और अपनी ही मौज में रहना। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये सूरत का बीच, डुमस बीच इसको बोला जाता है। यहाँ पर फैमिलीज वैसे मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून तक ही ज़्यादा आती है, इवनिंग में ये 6-7 बजे ये पॉइंट बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट विज़िट नहीं होती है किन्हीं भी कारणों से। माना जाता है कि यहाँ पे रात को रहना या रात को रुकना ठीक नहीं होता। बाकी जंगली एरिया है, कुछ भी कह सकते हैं, जंगली जानवर, जंगली पशु। और हमने बड़ा आनंद लिया है, समुंदर देवता को हमने प्रणाम किया आज, इनको नमन किया और इनसे कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे दोस्तों। समुंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि समुंदर यही चीज़ हमें सिखाता है कि शांत रहता है, चुपचाप रहता है, कोई दिखावा नहीं करता और अपने मज़े में रहता है, अपनी लहरों में रहता है, खोया रहता है। हम अपनी भारी ज़िंदगी में इधर उधर भागते रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे भारत में देखने के लायक। सूरत वाले, गुजरात वाले लोग यहाँ के समुंदर के बीच का आनंद लेते हैं, गोवा वाले गोवे का, मुंबई, अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में सब कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और लोगों को भी दिखाइए सूरत डुमस बीच। बाय बाय, टेक केयर। समुंदर डुमस बीच पे आपको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से भ्रमण कर सकते हैं। ऊँट की सवारी कीजिए गाड़ियाँ, वाह बड़ी मस्त चलती है भाई। इतनी अच्छी अच्छी डुमस बीच पे हम सैर कर रहे हैं सुबह सुबह। ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये कोई जाने पहचाने लग रहे। अरे सर, हमें देखिए किन से मुलाकात हुई आज। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, आप सूरत में दोस्तों, आप इनको जानते होंगे, पहचानते होंगे, आपकी फोटो साफ नहीं आ रही इधर आ रही। हाँ ये देखिए सूरत बीच पे कहाँ से हमें टहलते टहलते सुबह सुबह मिल गए। पंजाब की आन बान शान मिस्टर सौरभ जी, डिजिटल पंजाब लाइव से।
घोड़े की सवारी करेंगे अभी डुमस बीच सूरत पे। भाई इस ऑटो वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। इस भाई अपना फोन रह गया था, डुमस गए थे सूरत और ऑटो में फोन रह गया था, भाई ने 10 किलोमीटर घर बुला के फोन दिया। भाई ये भाई से दस्ती पाए हैं ना ना। यहाँ का अपना सूरत का यस, ये जो यहाँ पर एक फेमस फूड रियाजत ये जो है ना सड़ा है ना, वो हमारे भाव साहब का बहुत बड़ा जगह है यहाँ का ही है पूरा। हम बहुत कम पाइन क्रिकेट खेलते हैं और हम ओपनिंग खेलते थे, ओपनर थे आप सर। हम अभी तक 99 की बात, अभी 45 years हो गए। हम जब खेलते थे ना, हम ये सब जो कि स्कूल लाइफ में जब जाते थे ना, तो स्कूल में कम पढ़ते थे और स्पोर्ट में ज़्यादा ध्यान देते थे, मगर पापा का भी इंस्पायर किससे हुए थे क्रिकेट में? बस ये टीवी में देख देखते किसको महेंद्र कौन था, ये सब तो सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और जाडेजा। जाडेजा अजय जाडेजा अजय जाडेजा और मजा आती थी वो सब। अगर अब क्या है टाइम कभी खेलने नहीं क्रिकेट आपके साथ, हम भी थोड़ी बहुत टीम चला लेते हैं। आप कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपने ग्राउंड पे खेलेंगे। लाल भाई की यहाँ की जो मेन सेंटर में जितनी फीस है ना, 1x45,000 वन डे। हम हर ग्राउंड पे खेल चुके हैं सूरत के, रामदेव जी का ना सुल्तान या लाल भाई है, यहाँ अबरम है, बरगोड़म है, सब गाँव में खेल के आए। सीजन में हम हमारे टाइम के लोग उनकी टीम से हमारी टीम से कुछ बोलिए, आप एकदम शांत खड़े हो, यहाँ के सूरती है हम और दिल के बहुत भोले होते हैं। बढ़िया, आप हमारे साथ खाने चलो, मजा आएगी। ये भाई साहब सूरत की सब्जी मंडी है अभी दिल्ली गेट के ऊपर, दिल्ली गेट सूरत सब्जी मंडी। वाह जी वाह, नज़ारे जी नज़ारे, सूरत सब्जी मंडी दिल्ली गेट।